चित्र बात तो जे है जो, और सुनो उल्टी बात, तुम भी जाना तो हम भी जाना ही तो फिर भी फंसे। तुम्हें भी पता है कि कोई नहीं है अपनो, फिर भी महाराज ब्याह हो जाए लड़का वाले। अच्छा पूछो को पे काय जो की को है। अच्छा एक बार, अच्छा गलती से कई बार आदमी झूठ बोल जाते, कई बार का होता आदमी लबरो संतन से कह दे महाराज आप ही को आए सब। कहू पे पूछो काय भैया, कल आप ही को सब, आप ही को तो आए मोरो काय। एक बार एक आदमी जात तो सुनो ये बात पे अच्छी बात, एक बार एक आदमी कथा सुन में जात तो प्रवचन महात्मा जी, गांव के महात्मा सीधे साधे, आश्रम गांव में है तो बायर महात्मा रोज घंटा भर प्रवचन करते प्रवचन। एक गांव को सेठ भारी बड़ो पेट, आओ धनाढ्य सेठ गांव प्रवचन सुनवे, प्रवचन सुने सो लड़का हल्को से लेवागो सो लड़का बारे तो लड़का बारे लड़का रोन लगो पापा हमें बिस्कुट खाने। तो कई लोगों ने कहा भाई चुप कराओ, लेकिन कोई चुप ना कराए। महात्मा जी यहां गुस्सा आ गई, वे प्रवचन करत करत बोले किसका लड़का है। सो सेठ जी हाथ जोड़ के बोले आप ही को आए। महात्मा जी बोले जब हम आए तो रुक जाओ। महात्मा जी ने डांट दिया, ए बच्चे चुप बैठ, नालायक रोता है कथा के बीच में बैठ सांस। महात्मा ने डांट डूट दिया, डपट दिया, बेचारा लड़का डर गया, सहम के लुक के अपने पिता की गोद में, सेठ भारी बड़ो पेट ऊ की गोद में जाके बैठ गया। जैसे ही बैठो अब कथा पूरी हो गई, शाम का टाइम था रात की, अब सब लोग जाने लगे प्रणाम करने लगे, सो महात्मा लड़ुआ बांटने लगे, लड़ुआ खाओ लड़ुआ खाओ खुशी रहो, महात्मा आशीर्वाद देने लगे। जो लड़का था सेठ का वो भी जाने लगा, तो महात्मा ने पकड़ लो हाथ, भाई साहब तुम कहां जा रहे। तो सेठ लगो गुरु जी हंसिया कर रहे खिला रहे। अरे गुरु जी बोले बैठ पाछे मत भीतर जा कमरा में। सेठ जी बोलो मालिक अब घरे जान बालक। बोले कैसा बालक किसका, महाराज वो घर जाएगा। महात्मा बोले जब बालक हमारा तो तुम्हारे साथ क्यों जाएगा। सेठ बोलो महाराज बड़े बेकार हो, हमारा लड़का आपने अपनो बना लो। संत जी बोले हमने कहा बना, तुम्हारी तो कह रहे थे कि आप ही को लड़का है, जब हमारा लड़का है तो तुम्हें क्यों दे। सेठ जी बोले वो तो बातन की बात है आए, बोले झूठी बात है संतन से निकाऊ जाती है। सेठ बोलो महाराज मूड़ धर के पड़ी पाओ आज से ना कभी जोई कभी जो हमारा लड़का है कान पकड़ी। महात्मा बोले कही ना दियो नहीं तो लड़का से हाथ धो बैठो। तो अब बोल चाल में आदमी कह देता ना आप ही को आए सब कछु बताओ। जैसे किसी के घर जाओ पूछो क्यों भाई ये मकान किसका है, गुरु जी आप ही को आए, और कह दे के निकल पाए सो दांत काट देने। अरे गुरु जी हाँ कह तो दे के आप ही को आए, इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए यार, कम से कम कछु कुशलता तो धरो। एक जन की ऐसी गाड़ी पे हम बैठे, हमने पूछा गाड़ी बड़ी अच्छी है किसकी है, बोले आप ही की। हमने ड्राइवर पे कही के चलाओ चल चलाओ चल। सो वे लगो के गुरु जी कहूं जाने हुई है, हम पहुंच गए 350 किलोमीटर दूर आश्रम। सो आदमी बोलो काहे गुरु जी अब कबे जे भी, हम कही कहा तुम्हें उतरने हो सो उतर जाओ, हमें कहा जाने। वो बोलो गुरु जी गाड़ी, अरे हमें कही हम आइया तोरी कहा से आए। असुआ आ गए उकी तो आखन से, हम कही अटैक में आ जाए, हम कही गाड़ी ले ले लेकिन लौट के ना कहिए कि हम आइए नहीं तो हमा और लालच ज्यादा बड़ो बारो है। बोलो सीताराम ये समझाने की बात है भाई, बुरा मत मानना ऐसा है नहीं, समझाने की बात है कि हम कह तो देते बताओ गुरु जी से झूठ बोल देते, भगवान से तो भगवान 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 भी पगला बना उदा आदमी कहना तुम्हें हो माता चा पिता तुम्हें तुम्हें विद्या चा देवड़म तुम्हें तुम्हें हो तुम्हें हो सर्व मम देव देव, हे भगवान तुम्हें हमारे मत आई बाप धन दौलत संपत्ति, और जैसे ही बाहर करे सो घर भाई पे कात तुम्हें हमारी घर भाई आ।
बताओ तनक दे पहले भगवान का तो तुम्हें सब कछुआ मताई बाप मित्र सखा धन दौलत और कौन नेताजी ने कर मूड धर के पाँव पर के हमारे दाता तो तुम्हें आओ तुम्हें से यहाँ पेट चल रहा हो। आदमी दो मुइया सांप होगा आज को इन्हें कहो जा दो मुइया सांप अकेले में कछू और मौका देखे सब कछू। बोलो सीताराम हम प्रार्थना करें आपको बढ़िया सूत्र बता दें। कोई पूछे कि ये किसका है कहना राम जी का है सेवादार हम है हाँ। कहने की बात है। कोई पूछे ये बालक किसका है तो प्रभु का दिया हुआ लेकिन संसार रूप से पिता हम है लेकिन परम पिता तो रामई जी है। इससे क्या होगा अर्थ का अनर्थ नहीं होगा। और धोखे से अगर तुमने कह दी कि गुरुजी जी कहूं हम अगर हम फंस गए कहे जो मकान की को आप ही को ता हमने डेरा डाल लो फिर ना करे हाँ फिर चाहे केस लगाओ चाहे जो करो हो फिर तो जब ज्यादा ही पुलिस वाला है तब ही फिर कह भी भगो गुरु नहीं तो लट्ठ और घल है आओ बोलो सीताराम सीताराम बोलो। तो आम हम आपको बता रहे थे नौ प्रकार की भक्ति होती श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख में आत्मनिवेदनम। भैया भक्ति का मतलब है डूब जाना काय में पानी में नहीं कि तुम जासो कौन पानी में डूब के चले ही जासो तेरे ही हो गए आहा कुआ में नहीं आहा भक्ति का मतलब डूब जाना काय में भगवान नाम में और भगवान की कथा में भगवान का हो जाना। बोलो सीताराम राम जी की कथा में कृष्ण की कथा सुनकर के प्रभु में डूब जाना ही तो डूब जाना है। चढ़ी तेरे नाम की जो खुमारी तो ना इधर की फिक्र है ना उधर की फिक्र है हैं इसे कहते तो डूब जाना। डूब जाने का मतलब संसार का भान ना रहे न मान का ना सम्मान का ना अपमान का ना न संसार का किसी का भी आपको भान ना रहे कोई भी भान ना रहे न अपमान न सम्मान न स्वाभिमान न अभिमान न मान ध्यान रहे तो सिर्फ हनुमान इसका नाम है डूब जाना इसे कहते हैं भक्ति। अच्छा एक और महाराज अगर हम माला जपन लगवी कथाई कथा सुनन लगवी तुम्हारी सो बाल बच्चे को पाल है भूखन न मर जे हमारी घरवाई प्राण दे दे महाराज तुम्हारो तो ठीक है कहो के कथा सुनो चार घंटा पांच घंटा हो अगर बागेश्वर बालन की कथा हो सो आठ घंटा के पहले इंजन गर्म नहीं होता है जो ले महाराज इतने में हमें आठ दस हजार की कमाई कर लेने नौकरी छूट जाने अगर तुम्हारी कथा में फंस गए। भैया कान खोल के सुन लो जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से और कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम कर लो घनश्याम। हाँ जब तक जीवन रहना है फुर्सत मिलने वाली नहीं है इसलिए प्रेम करना तो राम जी से करो श्याम जी से करो। एक घड़ी आदि मैं पुण्याद और तुलसी चर्चा राम की हर ही कोटिया। महाराज अगर कथई सुनत रहे भी तो बाल बच्चे को पाल है जब दंत नाते तब दूध दिए बचपन में हल्के से दांत नहीं हते सो माँ के स्तनों में दूध किसने दिया भगवान ही ने तो दिया। जब दंत न थे तब दूध दिए अब दंत भये तो को अन्न भी दे हैं और जल में थल में पशु पक्षन में सबकी सुध लेत सो तेरी भी ले हैं जान को देत अजान को देत जहान को देत सो तो को भी दे हैं। और रे मन मूल सोच करे क्यों सोच करे कछु हाथ न आए हैं है? जब दांत नहीं थे तो भगवान ने दूध दाओ अब दांत नहीं है थे भगवान ने जब स्तनों में दूध दे दिया अब दांत हो गए तो क्या भगवान भोजन नहीं देंगे। अरे तुम तो आदमी आओ अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास
मलूका कह गए सबके दाता। अजगर चाकरी नहीं करता, पंछी काम नहीं करता। कबूं तुमने अजगर हो कौन सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करत देखो देखो है। अट्टी कम गड़बारी अगर लगाए हो तो भगवान जाने। अजगर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करत, पंचू या तुमने कौनू के घर कौन चिड़ैया है देखो के फलाने के घर। अब कौन लुगाई को नाव चिड़ैया हो तानी के सकता। वरना आप हाओ हाओ वरना आपने किसी चिड़ैया को आपने सफाई करत देखो रोटी बनाओ देखो चिड़ैया जवाब दो। चिड़ैया मतलब चिड़िया, चिड़िया को आपने कभी सफाई करत देखो भाजी या नाजी। तो हम नहीं कह रहे अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलूका कही गए सबके दाता राम।